अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्बास सैफ। आप देख रहे हैं अब्बास सैफ यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट सोया सॉस एंड नूडल्स विथ चिकन लेग पीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे बनता है। दोस्तों सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे एक ट्रे। उस ट्रे के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है 3 kg चिकन लेग पीस। देन इसके ऊपर हम 1 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे। देन यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अल्मीनियम फॉइल से कवर भी करना है। इसको इसी तरीके से कवर करके आपने इसको ओवन में बेक करना है 180°C 40 मिनट्स के लिए। देन यहाँ पे एक पैन में हम 1/4 cup ऑयल लेंगे। 2 tablespoon यहाँ पे गार्लिक, फ्रेश गार्लिक चॉप यहाँ पे इसको इसी तरीके से ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्वीट सोया सॉस। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट सोया सॉस का डिश बनाने जा रहा। तो यहाँ पे 1 cup हम स्वीट सोया सॉस यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे ब्लैक पेपर हम यूज़ करेंगे 2 pinch। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे 1 cup वाटर ऐड करेंगे। 1 cup वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर 1 tablespoon 1/4 cup वाटर के अंदर 1 tablespoon आपने इसको कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने सॉस में ऐड करना है। देन आपने यहाँ पे 1 teaspoon ब्राउन शुगर या रेगुलर शुगर कुछ भी हो, ऑल पर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सॉस यहाँ पे रेडी हो गया। तो हम इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 packets लिए है नूडल्स के। तो हम इसको नूडल्स को इस सॉस के अंदर इसी तरीके से मिक्स करना है। ये हमारा नूडल्स रेडी हो गया। एंड देन यहाँ से हम चिकन को ओवन से हम एग्ज़िट करेंगे। देन ओवन से जो चिकन आपने निकाला है लेग पीस, इसको आपने सॉस के ये सेम सॉस है तो सेम सॉस में आपने इस चिकन को भी टोस्ट करना है अच्छे से। तो इसी तरह टोस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट आपका डिश रेडी हो चुका है। आपने बस सिर्फ प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 200 ग्राम नूडल्स मैंने एक सर्विंग के लिए यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे एक बॉयल्ड एग यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट करूँगा। देन यहाँ पे चिकन लेग पीस, तो इसी तरीके से आपने लगाना है। तो ये आपका डिश यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने 1 pinch सेसमी, वाइट सेसमी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये आपका डिश का फाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने खाया था, मुझे खुद बहुत मज़ा आ गया। तो यहाँ तक था आज का रेसिपी। थैंक यू सो मच वॉच करने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।